हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज हम लोग जा रहे हैं, और कुछ चेक कर रहे हैं, कैमरा कुछ चेक करने जा रहे हैं आज फिर से, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और घर से बाहर निकलने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो आज हमारे सर फ्री थे, हमारे लिए फुर्सत लिए, बोले कि चलो हम लेके चलते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिएगा खुली जगह पे। उस दिन संकट मोचन गए थे, तो वहां पे पूजा करने वाला जगह होता है, तो वहां पे कैमरा शूटिंग वगैरह ये सब पे हमारा ध्यान नहीं जाता अच्छे से। तो हम तो आज जा रहे हैं जहाँ जहाँ का वीडियो हम एक बार रखे भी है, तो आज वही पे हम लोग चल रहे हैं। सब यहाँ पे देखिए शोरूम है, आजू के पापा के पास टाइम ही नहीं भेटता। अभी और कुछ अच्छे देखो के तो दुलाई चाहिए। अच्छा, अभी हमारा जगह बाकी है घूमने का, और शाम पड़ रहा है, कम टाइम लगते है सुंदर जगह पर घूमे के मन नहीं करे छे, आ करे छे तो जाए के मन नहीं करे छे। हाँ वही ना, बहुत सुंदर जगह है गाइस, यहाँ पे तो मन करता है कि इतना घूमूंगी। घूम तो रही हूँ, बस वीडियो नहीं बनवा पाई, जो मन था वीडियो बनाने का जैसा शॉर्ट्स तो नहीं बना पाई, बाकी है तो बहुत अच्छा जगह। बच्चे लोग पीछे, हमारा बाल आगे कर लेते हैं। हाँ अब ऐठा सा नहीं, दोसर ठा चल ला, साँझ पड़ जेते तो किछो नहीं हेते। हाँ अहाँ सब शांति से साइड में बैस रहो। कितना अच्छा यहाँ का व्यूज है। हाँ ये जगह पे मैं पहली बार आई हूँ, ये धनसा धाम के पास है। ये जगह का नाम कथी है? इस ठाव को धनसा धाम वन संरक्षण क्षेत्र। हाँ वन संरक्षण क्षेत्र बोला जाता है इसको। यहाँ पे पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पे अभी पिकनिक स्पॉट ही किया जाता है, अभी बन रहा है, अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। बाकी ये मैं यहाँ पे जो मैं पहली बार आई हूँ ना, तो ये पानी के लिए पूछ रही थी कि पानी यहाँ पे जो है इसका ये क्या है, इसमें क्या क्या पानी का जो जानवर रहता है जो पानी में, मगरमच्छ वगैरह से मगरमच्छ तो इधर नहीं है, नहीं लेकिन माछ का, लेकिन उस बोट में तो मगरमच्छ का भी वो था, पिक्चर था ना वो, तो बोट वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाने के लिए इधर बोट लगाया गया। अच्छा, उसी टाइम लगाया गया था, और वो विंटर जैसे कि आप पानी में रहने वाले सबसे नेपाल का संरक्षित प्रजाति जैसे कि खटियाल है। और खासियत है यहाँ जैसे ये धुनसा धाम वन संरक्षण क्षेत्र है इसका। अच्छा, नाम जी। और इस जो ये पोखरी देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ। इसे धनुष डॉक करके बुलाते हैं, इधर का लोकल आदमी सब बोलता है इसे रानी पोखरी से चिन्हते हैं, बहुत लोकल आदमी सब। अच्छा अच्छा, रानी पोखरी जी। इसे खास में इसे बनाया गया इसके ये भी उसे कि जो विंटर का टाइम में जो चारा सब आता है ना उधर साइबेरियन से, हाँ। तो उस सब के लिए जैसे कि वेट लाइन मैनेजमेंट हो, वो लोग आए तो जब वो चारा सब आए ना, हाँ, हाँ। तो उसे एक उचित वास स्थान भेटे, इसलिए मैनेजमेंट किया है। इसमें पहले हम लोग ने आधी में
बोट चलाते थे आधी में पूरा। तो जब बोटिंग होता था यहाँ पे तो पानी भरा रहता होगा ना यहाँ पे? ये पूरा बहुत भरा रहता था ये। अब इसको सुखाया गया कि ऐसे ही हो गया? पानी नहीं होने के कारण से ये सूख गया। चलिए अच्छा है। और कुछ पक्षी वगैरह ये सब यहाँ पे? यहाँ पे जैसे कि हम लोग ने अब हर एक साल डाटा लेते हैं कि इसमें लगभग लगभग 56 प्रजाति का जो विंटर बर्ड होता है ना। अच्छा, वो हाँ। यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। और जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि कोविड टाइम में, हाँ। जब कोविड था उस टाइम में सुने होंगे आप लोग कि जो नेपाल में सुन कछुआ भेटा, गोल्डन टर्टल जो बहुत न्यूज में कवर हुआ था कि गोल्डन टर्टल, वो यहीं पे रेस्क्यू किया था हम लोग ने इसी ठाँव पे धनसाधाम में ही। अच्छा। और उसे इसी में छोड़ दिया कि बाद में डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जब कंप्लीट हो गया, हाँ। उसे हम लोग ने यहीं छोड़ दिया क्योंकि एक नेचर पोखरी है, हाँ। इसमें जैसे कि आप चार देख सकते हैं कि आप लोग पूरी तरह से नेचुरल लुक में छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ पे नहीं हम लोग ने वो कछुआ को इधर ही छोड़ दिए थे। जानकारी सब मिलना चाहिए उतना मिल गया इनसे। ये हमारे सभी स्टूडेंट रह चुके हैं तो अभी ये यहीं पे रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने अपने जैसा हमको टाइम दिया और सब कुछ यहाँ के बारे में सब कुछ बताया। तो अभी हम लोग और बाकी जगह का शूट करेंगे, यहाँ का अभी इतना ही रहेगा। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हम लोग फोटो लेना बताइएगा कि यहाँ का नज़ारा कैसा है, यहाँ का सीन कैसा है? बहुत सुंदर लग रहा है, हमको तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जब मन करे कहीं आउटडोर शूटिंग का ना तो यहीं पे आ जाए। और ख़ास करके है ना फूल, मतलब पिक्चर का जो क्वालिटी होता है ना, तो ये छोटा छोटा जो पत्ती वाला फूल होता है ना इसी से होता है। तो हमको ये फूल बहुत दिन के बाद देखने को मिला क्योंकि मैं घर से बाहर कभी निकलती नहीं हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा। देखिए गाइस, इंडिया में कैसे लोग पानी पीते हैं। दिस इज काइंड ऑफ ऑसम मैन। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये देखिए गाइस, इसको ये फूल पहना रहा है। ये हमारी बेटी है, छोटी बेटी। ये छोटी बेटी का बड़ा भैया उसके जूड़ा में फूल लगा। वाह, ये मेरा फूल था, दे। तो गैस यहाँ पे ना अब हम लोग ना जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमको जो जितना रील्स बनाना था ना ठीक ठाक, अब उतना रील्स एक ही कपड़े का और एक ही जगह का बना के क्या करेंगे, तो इसलिए हम सोचे कि अब यहाँ का रील्स अब छोड़ देते हैं, अब नहीं बनाते हैं। बाकी आप लोग इतना मेहनत किए तो आप लोग प्लीज़ जल्दी बताइएगा कि क्या यहाँ पे, मतलब हमारे कैमरा शूटिंग में क्या ख़राबी है, क्या हम इसे अच्छा भी कर सकते थे कि नहीं, क्या है? आप लोग सब कुछ जो होगा वही बताएगा, हमको दुख नहीं लगेगा इस चीज़ का, हमको अच्छा ही लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को बताइएगा। तो अभी हम जा रहे हैं पानी पीने, यहाँ पे एक पाइप है पानी वाला, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो चलिए हम पीवे पानी है, देख गाइस। ये लोग तब तक ना वीडियो ले रहे हैं वहाँ का,
अजगर सांप का। तो हम सोच रहे कि तब तक हम मोबाइल से ही कुछ ब्लॉगिंग कर लें। तो यहाँ का जगह इतना सुंदर है ना कि थोड़ा समय लेके आने वाला पागल होगा, क्योंकि हम लोग ही पागल हैं, हम खुद को ही पागल बोल रहे हैं, क्योंकि हमको 4 बज गए यहाँ तक पहुँचने में। बात है कि गाड़ी लेट से आई हमारी, तो इसलिए हमको थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कितना अच्छा जगह है ना, आप लोगों को तो इस ब्लॉग में देख के ही मिल लगेगा कि कितना अच्छा जगह है। और इतना शांत है ना कि आप यहाँ पे अगर शांति से बैठना भी चाहे ना और फील करना चाहे इस नेचर को, तो कर सकते हैं, इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो हम देखें यहाँ पे वो सब है, वहाँ पे वो ले रहे हैं सांप का वीडियो ले रहे हैं। तो हमारा मन था कि वहाँ का वीडियो ले, और जब आए ही हैं तो थोड़ा अच्छे से यहाँ का जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हम भी यहाँ पे पहली बार ही आए हैं। तो और हम कुछ रील्स भी यहाँ पे शूट किए हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है आउटडोर का शूटिंग। हमको टाइम मिलता तो है नहीं कभी भी, तो अभी सोच लिए तो हमको करना है तो करना है। अभी शायद हम लोग यहाँ से थोड़ी देर के बाद निकल जाएंगे, क्योंकि शाम पड़ने वाला है, सूरज भगवान भी अब जा रहे हैं, तो अब हम लोग को भी जाना पड़ेगा, वरना यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा है थोड़ा सा भी। तो हमारा लुक तो आप लोग देखे ही होंगे, आज का ये था, तो हमको बहुत अच्छा लगता है ये लहंगा। हम बनवाए अभी, देखिए वहाँ पे हमको बुला रहे हैं, जा रहे और उधर का रास्ता से नया। यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी शायद हमारे मोबाइल का अच्छा नहीं आता होगा, क्योंकि जो कैमरा का क्वालिटी है ना वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो वो कैमरा है ना वो लोग रखे हुए हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से, कथी छ कौन चीज छ कछुआ इस पानी में कछुआ का हम दिखा रहे हैं। अखन कत जाए कत जाए कत कत जाए अभी और कुछ अच्छे देखो के तो दलवाए छ बच्चा। अभी हमारा जगह बाकी है घूमने का, और शाम पड़ रहा है।